हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। झज्जर के संवाद भवन में 2 दिवसीय खुला दरबार लगाकर महिलाओं की समस्या का समाधान करने पहुंची महिला आयोग की चेयरमैन प्रतिभा सुमन के सामने एक महिला ने प्रदेश के कैबिनेट मंत्री के पीए पर गंभीर आरोप लगाए। महिला ने यहां तक कह डाला, मंत्री का ये पीए जिला भिवानी पुलिस पर दबाव डालकर उसके साथ न्याय नहीं होने दे रहा, इसीलिए वो चाहती है कि उसके मामले को झज्जर जिला पुलिस के सुपुर्द किया जाए ताकि वो न्याय पा सके। यहां बता दें कि हरियाणा के महिला आयोग की चेयरमैन प्रतिभा सुमन महिलाओं की समस्याओं व शिकायतों के निवारण के लिए जिला मुख्यालय पर 2 दिवसीय खुला दरबार लगाने पहुंची थीं। आज पहला दिन था। आज रखी गई शिकायतों में 20 शिकायतों के निवारण होने की बात महिला आयोग की चेयरमैन द्वारा कही गई। इसी दौरान आयोग की चेयरमैन के सामने गांव डीघल से आई एक महिला ने प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री के पीए पर आरोपों की बौछार कर डाली। महिला का कहना था कि उसके साथ दिल्ली पुलिस के परिवहन विभाग में कार्यरत एक परिचालक ने अनैतिक संबंध बनाए। मामले की शिकायत जिला भिवानी पुलिस को भी की गई, लेकिन मंत्री महोदय के पीए के दबाव में भिवानी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए वो चाहती है उसके मामले को झज्जर जिला पुलिस के सुपुर्द किया जाए। उधर जिस परिचालक पर महिला ने आरोप लगाया था वो भी महिला आयोग के सामने पेश हुआ। बाद में उसने मीडिया के सामने महिला पर ही उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दिए जाने के आरोप लगाए। उसने कहा कि उक्त महिला ने उस पर झूठा रेप का मामला दर्ज कराया था, उसमें वो जेल की हवा भी खा चुका है और पिछले दिनों उसे इस मामले से बरी भी कर दिया गया था, लेकिन अब महिला उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी है। महिला आयोग के चेयरमैन प्रतिभा सुमन ने कहा कि वो प्रदेश के हर जिले में महिलाओं की शिकायतों के निवारण के लिए खुला दरबार लगा रही है, उनमें समाधान करने का प्रयास भी किया जा रहा है। डीघल गाँव की जिस महिला ने आयोग के सामने शिकायत की है उसे दोबारा से सुना जाएगा और मामले की जांच कराई जाएगी। बेटी से मैं दोबारा फिर बात करूंगी, और जो बेटी ने हमारे को कहा, शायद पूनम नाम था उस बेटी का, और दोबारा से मैं आयोग के अंदर बुलाऊंगी, और जिस में भी, हालांकि उन्होंने जो जो कार्रवाई करने के लिए कहा पुलिस ने अपनी कार्रवाई की है, कहीं भी अगर कोई कमी रही है उसको भी दूर करवाने का हमारी तरफ से प्रयास रहेगा। लेकिन सबसे पहले जैसे घरेलू हिंसा की सबसे ज़्यादा शिकायतें हैं, और उसके बाद वर्क प्लेस हरासमेंट है, सेक्सुअल हरासमेंट है, और प्रॉपर्टी भी बात है, और पुरुषों की भी घटनाएं, पुरुषों की भी कंप्लेंट महिला आयोग के पास आते हैं। और हम ये नहीं कि महिला आयोग है सिर्फ महिलाओं की ही कंप्लेंट सुनते हैं, हम पुरुषों की भी कंप्लेंट सुनते हैं। हमारे आयोग के अंदर 5 से 10% कंप्लेंट पुरुषों की भी। सर, मेरा चरित्र प्रमाण पत्र बना के दिया हुआ है कि मेरा चरित्र सही नहीं होने के कारण तलाक हुआ था। मेरा तलाक नाबालिग केस में शादी हुई थी, नाबालिग केस में मेरा डिवोर्स हुआ था, तो उस गांव के सरपंच ने लिख के दिया और मैंने कंप्लेंट की, तो ओपी धनखड़ के पीए ने, राय सिंह ने, पुलिस को फ़ोन करके ये बोला कि आप इसमें कंप्लेंट पे कोई कार्रवाई नहीं करोगे, और मुझे बकायदा ये बोला कि आप इस कंप्लेंट को उठा लो, नहीं तो आपको ना बहुत सारी हानि झेलनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया मुझे सभी ने मिलके। और राय सिंह की कंप्लेंट रोज नामचे में, पुलिस के रोज नामचे में दर्ज है, आप जाके देख सकते हो इस चीज़। ये पूनमा की लेडीज है, ये जो है मेरे परिवार को बर्बाद करना चाहती है, और ये जो है मेरे को हरासमेंट कर रही है, वही ने मेरे पे मामला क्षेत्र का मामला दर्ज करवाया था, और मैं क्षेत्र के मामले में मैं बरी हो चुका हूँ 13 मार्च 2018 को, और फिर भी उसके उपरांत ही मेरे को जो है पैसे हटने के चक्कर में मेरे को बार बार हरासमेंट करी है, मेरे परिवार को हरासमेंट करी है, और मेरे पे बार बार मुकदमे करवाए जा रही है। Thanks for watching video.